मेरा नाम है अली साकिब और आप देख रहे हैं प्राउड ऑफ पाकिस्तानी। सॉरी गाइस, मैं बहुत लेट हो गया। मैंने कहा था कि जल्द वीडियो आ जाएगी, लेकिन वीडियो बहुत लेट हो गई, तो सॉरी प्लीज़। और नो, ये मैंने कल सेटिंग की, विंटर में मैच हो गया सेकंड, तो सॉरी उसके लिए। तो अब हम मैच स्टार्ट करते हैं, इंडिया के साथ दूसरा मैच है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। हम उसी बॉलिंग लाइनअप के साथ जाएंगे वापस, पिछली बार हार गए थे, तो इस बार कोशिश करेंगे जीत जाएं, वरना हम हार जाएंगे सीरीज। और एक टेस्ट मैच है, वो मैं कोशिश करूँगा कि डेट पे लाऊं, 6 को आएगा, तो मैं कोशिश करूँगा 6 को ही आ जाए। और एक हम वही रखेंगे जो हम रखते हैं, 5 ओवर, लेकिन इस बार मैं करूँगा पहले 5 ओवर खेलूँगा, बाद में ऑटो प्ले करूँगा, ताकि पहले मैं कुछ कर सकूँ। बस टेल्स ली है और बॉलिंग ली है इंडिया ने, इंडिया ने कोई चेंज नहीं किया, पाकिस्तान ने भी नेशनल एंथम होता हुआ। और हम आबिद अली, एहसन अली और बाबर आजम को लाएंगे क्रीज पे। सॉरी गाइस, बहुत लेट होगी वीडियो, मैंने कहा था कि आ जाएगी जल्दी 28:29 तक, लेकिन काफ़ी काम थे जो मैंने करने थे, तो वो बहुत लेट हो गई। मैं पहली बॉल पे लीव करूँगा बॉल, क्योंकि लीव करना ही सही रहेगा, क्योंकि हमें आराम से खेलना है। अगर मैंने जज्बाती में खेला तो दूसरा 20 भी हार जाएंगे हम। ये बॉल बाउंसर है, तो इस पर ट्राई करूँगा कि लग जाए, ये लगती तो ना सही। गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो का मैं गोल रखता हूँ 50 लाइक्स करें इस वीडियो पे। और ये पहला हमने चौका मार दिया, एहसन अली ने पहला चौका मारा है। अभी मैं चौथी बॉल खेलूँगा। गाइस लॉकडाउन बढ़ी जा रहा है और कोरोना वायरस भी बढ़ी जा रहा है, तो प्लीज़ आप घरों में रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, स्टे होम स्टे सेफ। बाबर आजम आए हैं, क्या लगता है गाइस कौन जीतेगा इस बार? बस 2 दिन बाद टेस्ट मैच आएगा, फिर वो मैं टेस्ट मैच में भी खेलेंगे हम। उसके बाद आप तय होगा कि मैं कौन सी सीरीज करूं, ज़रूर कमेंट करिएगा जो जो देख रहे हैं। क्योंकि क्रिकेट के तो बाहर ग्राउंड्स में कोई क्रिकेट नहीं हो रही, तो हम इस पे ही कर सकते हैं और यूट्यूब पे कर सकते हैं। पहले ओवर से 9 स्कोर आया है, और मोहम्मद शमी की ओवर है, 1 ओवर 9 स्कोर, तो अच्छा स्कोर तो नहीं था, इतना हुआ जैसा मैंने सोचा था, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, हम कोशिश करेंगे कि ओ नो गाइस, ये पहली विकेट गिरती हुई, पिछली बार हमने बहुत गलत तरीके से हारे थे, लोकेश राहुल और मनीष पांडे ने बहुत अच्छा खेला था, हालांकि शुरू में हमने विकेट्स भी ले ली थी, लेकिन हम, अगर किसी ने फर्स्ट T20 नहीं देखा तो जाके देखे मेरे चैनल पे, अभी टेस्ट भी आएगा। ये एक चौका मारते हुए मोहम्मद हफीज, याद, अगर मैं पूरी करूँगा कि पूरी पूरी वीडियो बनाऊँ 20-20 आवर्स की, तो घंटे 2 घंटे लग जाएंगे मुझे, इतना टाइम तो हो गए नहीं मेरे पास, क्योंकि रमज़ान चल रहा है, तो रमज़ान अफ्तारी का टाइम हो जाता है बीच में। मैंने शुरू 3:31 पे किया, 3:30 किया है, तो मैं कोशिश करूँगा कि 4 बजे तक। और ये बहुत अच्छा छक्का लगा, अच्छा खेल रहे मोहम्मद हफीज़।
फिर रात को लीव फील्डिंग सेट कराते हुए हम लेग साइड पर जाएंगे मारने शॉट, लेकिन देखते हैं लगती है कि नहीं। एक विकेट आया है इस ओवर से, 10 स्कोर आ गया, 10 स्कोर हुआ है अभी तक। और आखिरी बॉल मैं खेलूँगा और ये कैच। गाइस दो विकेट आ गई, मोहम्मद शमी का बहुत अच्छा ओवर। पहली ओवर में ही मोहम्मद शमी ने दो विकेटें करा दी हैं। हारिस हुए लाएंगे, हमारी बैटिंग कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं गई। अब देखते हैं क्या होता है, क्या हम जीत पाएंगे ये T20 भी। मुझे नहीं लगता गाइस कि हम शायद हार भी जाएं हम, लेकिन कोशिश करूँगा मैं कि जीतूँगा। ये डबल 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 और ये रन आउट होने का चांस, लेकिन नहीं हुए। सही है, 21 स्कोर है हमारा 2.1 में। बस हमने 5 ओवर खेलनी है, फिर बाकी ऑटो प्ले करेंगे। गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि हम अगली सीरीज कौन सी करें। नहीं गाइस अभी ना बताइएगा, क्योंकि अभी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपके कमेंट्स का। जब टेस्ट मैच का लास्ट डे हो तब बताइएगा, हम बड़े तरीके से खेलेंगे क्योंकि दो विकेटें तो गिर गई हैं। अब हम और विकेट अगर गिराई तो हार जाएंगे। ये एक छक्का मारते हुए बाबर आजम बुमराह को, तीसरा ओवर कर रहे हैं, दूसरा ओवर कर रहे हैं बुमराह, और तीसरा ओवर है हमारा। दो ओवरों में मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा 5 ओवरों में 70 तक, 50 तक ले जाऊँ। 70 ज़्यादा हो जाएगा, हो नहीं पाएगा, 50 से ऊपर ले जाऊँ। लेकिन मुश्किल है ना, इंडिया हमेशा हमारे खिलाफ़ अच्छा खेलती है, ओपोनेंट हमारे खिलाफ अच्छा खेलती है, लेकिन हम भी उनको नहीं छोड़ते। एक और छक्का, बस कोशिश करेंगे कि 50 से ऊपर लगे जाऊँ। दोबारा ट्राई करूँगा कि शॉट लगे, और ये लगी भी है। बहुत अच्छा खेल रहे हैं बाबर आजम। दो तीन छक्के मारे हैं, बुमराह का ओवर थोड़ा महंगा गया। मोहम्मद शमी ने अच्छी बॉलिंग की थी और दोबारा हम जाएंगे शॉट के लिए, क्योंकि स्कोर करना है हमें। पिछली बार भी हम हार गए थे। कोशिश करूंगा कि 170 तक हो, लेकिन ये तो फिर ऑटो प्ले पर डिपेंडेड है कि ऑटो प्ले कितना हमें देता है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 ओवरों में करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि 2 ओवर है मेरे पास पीछे, और अगला बुमराह करेंगे दोबारा। तो शमी के ओवर में मुझे चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 स्कोर से ऊपर करूँ। और गाइस WCC 3 जब भी आएगी साथ ही मैं वीडियो बनाऊंगा उसकी भी, वो भी आप देख लिएगा। बस बेल का आइकन क्लिक कर लिएगा ताकि आपको सारी मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आता हो, आ जाए जब भी मैं नई वीडियोस डालूं। 10 स्कोर आ गया है 2-3 बॉलों में। मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर लाऊं ताकि फिर हम और गाइस प्लीज़ घर में रहिएगा, क्योंकि घर में रहेंगे तो ये आप बच पाएंगे, वरना तो नहीं। और ये एक और चौका हमारा अभी हारिस सोहेल का 7 बॉलों में 17 स्कोर हो गया, और बाबर आजम का 6 बॉलों में 22 सॉरी इस ओवर में 14 स्कोर आ गया। पिछला ओवर बहुत अच्छा किया था मोहम्मद शमी ने, लेकिन इस ओवर में हम भी अच्छा खेल गए। तो आखिरी ओवर अब मेरे पास, मैंने आखिरी ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा करना है, 10 से ऊपर स्कोर करूँगा तो ही जाके हमारा 170 तक क्रॉस करेंगे, क्योंकि ऑटो प्ले वाले हमेशा बेमानी हो जाती है हमारे साथ।
जितना अच्छा खेलो आप ऑटो प्ले में सारा ख़राब हो जाता है। तो बुमराह हैं, बुमराह को कोशिश करूँगा कि 10 से ऊपर चला जाए, 10 से 15। यार ये पहली बॉल पर चौका, गाइस घर पे रहें और मज़े से वीडियो यूट्यूब देखें, हमारी वीडियोस देखें। बस जल्दी टेस्ट मैच की भी वीडियो आएगी। और ये अगली बॉल, दो बॉलों में 8 आ गया, तीसरी बॉल कर डॉट हो गई, ये गलत तो है। अब हम दोबारा शॉट के लिए जाएं या ना जाएं, कोशिश करता हूँ कि जाऊँ शॉट के लिए। और ये फिर डॉट हो गई, 8 स्कोर ही आ है अभी तक, अभी दो बॉलें पड़ी हैं। तो देखते हैं क्या होता है दो बॉलों में। और ये एक बहुत अच्छा शानदार छक्का बाबर आजम की तरफ से, सेवेंटी टू हो गया है। बस बहुत है, बहुत नहीं है, हाँ इतना है कि हमारा 150 क्रॉस हो जाए शायद, क्योंकि पिछली बार बहुत ख़राब हुआ था, हम डिफेंड ही नहीं कर पाए थे। हालांकि हमने आखिरी पहले ओवर में जो बॉलिंग की थी वो बहुत अच्छी थी। ये हम ऑटो प्ले करेंगे, हम तो और नहीं खेलेंगे ना, बस ये ऑटो प्ले फुल इनिंग्स। ओ गाइस ये तो बहुत बड़ा स्कोर हो गया, 265 रन्स कर दिए हैं इंडिया को जीतने के लिए चाहिए, बहुत बड़ा स्कोर हो गया। अभी मैं आपको स्कोर कार्ड दिखाता हूँ, किस किसने स्कोर किए क्या क्या, रुके स्कोर कार्ड। जैसे एहसन अली 5 पे 5, बाबर आजम 57 और मोहम्मद हफीज 10 पे, और हारिस सोहेल ने बहुत अच्छा कराया 88, इफ्तिखार अहमद ने 56 32 बॉलों में, मोहम्मद रिजवान ने 23 12 बॉलों में, मोहम्मद वसीम ने 10 7 बॉलों में 267 6 का टारगेट है इंडिया को जीतने के लिए। अच्छा पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा अच्छा खेला है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा था कि बस 70 से अप कर दूं, और अब इनको चाहिए हर ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 रन, क्योंकि बहुत बड़ा टारगेट है। हम 5 ओवर कराएंगे और बाद में तो ऑटो प्ले कर देंगे, ऑटो प्ले का पता नहीं क्या होता है, इस बार ऑटो प्ले ने हमारा साथ दिया। हम पहली बॉल पर सिंगल है, फिर दूसरी बॉल आराम से डिफेंड, अगर ये इसी तरह खेलते रहे तो शायद हम जीत भी जाएं, लेकिन ओपन अटैक कभी भी कुछ भी कर सकता है। ये देखें गाइस ज़रा खुद ही बॉल इन्होंने दे दी, हिलाने ही नहीं दी, और ये वाइड देगा अंपायर शायद, जी वाइड हो गई, वार्निंग भी मिल गई। ये हम दोबारा कराएंगे बॉल और दोबारा डॉट, 3 बॉलें हो गई हैं, 3 बॉलों में सिर्फ 2 स्कोर आए एक वाइड के ज़रिए। बस मैं कोशिश करूँगा कि इनको पहली 5 ओवरों में 1 या 2 विकेट दो लूँ, और ये बहुत अच्छा खेला 4 रन होते हुए। गाइस मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि 20 ओवरों में 265 रन हो गए हैं, ओह नो गाइस महंगा ओवर गया, महंगा, लेकिन फिर भी चले, लेकिन मैं अब इनको एक आखिरी नहीं
यॉर्कर दूं, नहीं यॉर्कर नहीं, फुल लेंथ और रिवर्स स्विंग दूंगा। कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द डबल को आउट करूं। और ये डबल ने आखिरी वाला सिंगल स्ट्राइक रोटेट करते हुए अगली ओवर में दूंगा स्पिनर को ला दूं। नहीं शाहीन अफरीदी सही रहेंगे क्योंकि स्पिनर को अभी लाना तो खतरे से खाली नहीं होगा। मैं दोबारा स्ट्रेट बॉल ला लूँगा, देखते हैं क्या होता है। एक सही था डॉट बॉल, इनको यॉर्कर दूंगा। यॉर्कर पे मैं रखूँगा स्लोअर बॉल। और ये एक चौका लगा दिए, चौका हुआ है। और अभी मैं अच्छा खेल रहे हैं धवन 7-13, लेकिन इनको ज़्यादा अच्छा खेलना पड़ेगा। और ये नहीं आउट नहीं हुआ, मुझे लगा आउट हो गया। भाई इसमें रीप्ले का ऑप्शन नहीं है वरना रीप्ले दिखाता। भाई इसमें रीप्ले का ऑप्शन आना चाहिए, बताएं कमेंट के लिए, कमेंट में करके बताएं रीप्ले का ऑप्शन आना चाहिए या नहीं। और गए जो WCC3 का भी नहीं, उन्होंने ट्रेलर लॉन्च किया है जो मैथ्यू हेडन सर करेंगे, कमेंट्री भी करेंगे और गेम एडवाइज़र भी। क्या लगता है आपको कैरियर मोड आएगा? मुझे तो लगता है कैरियर मोड आएगा क्योंकि मैथ्यू हेडन सर ने जब डॉन ब्रैडमैन 17 में कमेंट्री, तो उन्होंने तब भी वो गेम एडवाइज़र थे तो उन्होंने उसमें भी कैरियर मोड रखा, तो शायद इसमें भी आ जाए। मैं अब इस ओवर चेंज करके देखता हूँ, शदाब खान से ओवर करता हूँ, तीसरी ओवर कराऊँगा शदाब खान से, देखते हैं क्या होता है। छक्के चौके लगते हैं या आउट होता है कोई। पहली बॉल कराई है और ये पहली बॉल ही डॉट। दो ओवरों में 16 स्कोर है इंडिया का, तीसरा ओवर चल रहा है। और मैं टॉप स्पिन कराऊँगा और ये आओ गाइस, बहुत अच्छी विकेट शेखर धवन की। मैं आपको रिप्ले दिखाता हूँ, रिप्ले में तो और भी अच्छी लगेगी। ये देखिए कैसे वो डिफेंस करने गए और साथ ही विकेट कैच कर लिए। कैच पता नहीं चला किसने किया, शाहीन शाह अफरीदी ने कैच किया। और ये विराट कोहली कैप्टन आते हुए उनके, इनका भी बस कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आउट करूँ, देखते हैं आउट होते हैं कि नहीं होते। विराट कोहली द कैप्टन। और ये एक और डॉट, बहुत अच्छी बॉल कराई शदाब खान ने। ये हम इस बार फ्लिपर डालेंगे और दोबारा कोशिश करेंगे कि आउट करें। और नो सर, ये तो इन्होंने शॉट पे चले गए, जब भी हमने फ्लिपर डाली है तब शॉट पे जाते हैं हर कोई। पिछले मैच में भी आखिरी बॉल पे हमने फ्लिपर डालने की कोशिश की थी लेकिन शॉट पे चले गए। तो मैं फील्डिंग चेंज करता हूँ, अटैकिंग में यही सही है, बल्कि ज़्यादा कोई चेंज करने के लिए है नहीं क्योंकि पावर प्ले चल रहा है। और हम इस बार गूगल ही डालेंगे, देखते हैं क्या होता है। 4 स्कोर है अभी तक सिर्फ ओवर से और बहुत अच्छी ओवर कर रहे हैं शदाब खान, इनको लाने का डिसीजन अच्छा था। दोबारा हम इस बार टॉप स्पिन दोबारा करेंगे और देखते हैं क्या होता है। और ये डॉट बॉल, ये थोड़ा सा फील्डर आगे होते तो कैच भी हो सकता था लेकिन कोई बात नहीं। हम इस पर किसको लाएं, चेंज करें या नहीं, मोहम्मद आमिर को लाते हैं। एक तरफ से फास्ट है, एक तरफ से स्पिन कर रखते हैं। नहीं मैं दूसरी शर्ट से आऊँगा, सर चेंज कर लिए। ये हम दोबारा शॉट के लिए ना जाएं बस तो फिर सही है। और नो गाइस, ये तो इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पीछे को स्वीप करके हमारा। और गाइस आपको क्या लगता है कि जो WCC3 में फीचर जाएंगे वो पेड होंगे या अनपेड? क्योंकि मुझे नहीं लगता वो पेड होने चाहिए वरना तो सारा मजा ही ख़राब हो जाएगा।
आकाश चोपड़ा सर की कमेंट्री और मैथ्यू हेडन की कमेंट्री पेड होगी या अनपेड। अगर वो पेड हुई तो सारा मजा ही खराब हो जाएगा, अनपेड हुई तो बहुत मजा आएगा। जिस दिन भी लॉन्च होगी साथ ही मैं आपको रिव्यू दूंगा, मैं आपको वीडियो बना लेंगे उस दिन। और हम इस ओवर से 5 स्कोर आ गया है और 5 ही बॉल कराने जा रहा हूँ मैं। और ये बहुत आला छक्का मारा है विराट कोहली ने, बहुत अच्छा खेल रहे हैं विराट कोहली। पिछले ओवर में भी एक चौका मारा था, कोई बात नहीं, हमने भी बहुत अच्छा खेला, लेकिन हमें अभी और अच्छा खेलना है, नहीं तो ये कर जाएंगे स्कोर, क्योंकि ओपोनेंट है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है गेम में। ये दोबारा ना कोशिश करें बस। गाइस मैं फील्डिंग दोबारा चेंज करता हूँ, रुके, ये फील्डिंग नहीं मुझे सही लग रही, चौके छक्के पार जाएंगे, ये सही थी। मैं इनको ऑफ स्विंग करता हूँ, ऑफ कटर ये सॉरी, और ये डॉट बॉल ओवर हो गया। मैं दोबारा शदाब खान को ही लाऊंगा, आखिरी ओवर है हमारे पास, इसमें बस आउट कर सके तो आउट, नहीं तो आउट ऑफ प्ले में ही सारा होगा। रोहित शर्मा इतनी कोई खास नहीं खेल पा रहे, 5 बॉलों में 6 स्कोर है। विराट कोहली अच्छा खेल रहे हैं, 8 बॉलों में 10। और ये मैं जाऊंगा टॉप स्पिन के लिए दोबारा, फुल लेंथ पे बॉल और दोबारा डॉट। इसी तरह अगर ये खेलते रहे तो हमारा जीतना पक्का हो जाएगा, क्योंकि रोहित शर्मा बहुत ख़राब खेल रहे हैं, जब से आए हैं कोई स्कोर नहीं किया। और ये एक और बार डॉट, 3 डॉट मिल गई हैं आखिरी ओवर में, अभी ऑटो प्ले होगा तो देखते हैं क्या होता है। ये भी कहीं स्कोर ना कर जाए, अगर इन्होंने स्कोर कर लिया तो हम हार भी सकते हैं। एक और डॉट मिल गई है, मेडन ओवर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा, ड्रिफ्टर डालेंगे दोबारा, मेडन ओवर जाने के चांसेस होने चाहिए नहीं। और ये हम कह ही रहे थे कि गंदा खेल रहे हैं, लेकिन गंदा नहीं, सही नहीं खेल रहे, लेकिन अभी उन्होंने एक चौका मार के कह दिया कि मैं भी प्लेयर हूँ भाई। अभी आखिरी बॉल है तो मैं दोबारा टॉप स्पिन पे जाऊँगा। देखें गाइज मैं सारी टॉप स्पिन डाली तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक की मैंने बॉल चेंज की, ये देखें गाइज एक और विकेट मिल गई मुझे, आखिरी बॉल पे विकेट मिली, रोहित शर्मा की विकेट मिल गई टॉप स्पिन पे दोबारा। और दोनों ही शाहीन शाह अफरीदी ने किए, अब मुझे ऑटो प्ले करना पड़ेगा, दिल तो कर रहा है कि और कराऊं, लेकिन ऑटो प्ले करना है और लेनिंग्स, देखते हैं क्या होता है। और गाइस खुशी की खबर आती हुई, हम 104 रनों से जीत गए। मैं आपको स्कोर कार्ड तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन अगर दिखा पाया तो दिखा दूंगा। नहीं गाइस लोकेश राहुल 51 हमारा 104 रनों से जीते हैं, हाइलाइट सेव करेंगे। ओके बाय गाइस, अल्लाह हाफिज, अब जल्दी हमारा आ जाएगा, अल्लाह हाफिज गाइस।